ब्रेकअप कर लेते हैं। ये वर्ड्स ऐसे पर्सन से सुनना जिसके साथ आपने अपना फ्यूचर स्पेंड करने का सोचा है, सहन करना नामुमकिन सा हो जाता है और उस पर रिएक्ट करना तो और भी ज्यादा मुश्किल। महा बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में थी, पर वो और नॉर्मल लड़कियों की तरह अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देती और वांडू के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए एकदम कैजुअल वे में इस पर रिएक्ट करती है, जैसे उसे ब्रेकअप से उतना फर्क ही नहीं पड़ा हो। वो कहती है कि क्यों नहीं, मैंने भी कोई पूरी जिंदगी इस रिलेशनशिप में रहने का नहीं प्लान किया था, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा ऐसे ही रहेगा जो प्यार है एक फैन का अपने आइडल के लिए। फॉन रोग इस लास्ट लाइन पर रिस्पॉन्ड करता है, फैन का प्यार? इस पर माँ रिप्लाई करती है, और क्या, तुम्हारी ट्रेनिंग टाइम से ही इवन फिंस जैसे फैन क्लब से पहले से मैं तुम्हारी ट्रू फैन रही हूँ और आगे फ्यूचर में भी एक अच्छी जूनियर बन के पूरा सपोर्ट दिखाऊंगी अपने सीनियर फॉन रोग द सुपर स्टार को। फॉन रोग एकदम चुप बस माँ को देखे जा रहा था, जैसे वो उसके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। महा अपनी बातों को जल्दी से खत्म करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ज्यादा देर तक वो अपने इमोशन को दबा नहीं सकती थी। और एक सेक्लूडेड प्लेस पर फॉन रोग से दूर आते ही उसके आंसुओं का बांध टूट जाता है। फॉन रोग के दिमाग में क्वेश्चन मार्क था कि महा ऐसे क्यों शो कर रही थी जैसे वो एकदम ओके हो। फॉन रोग अपार्टमेंट में वापस आ गया था और उसके हाथ में चंकी टेस्टी स्ट्रीट फूड्स का बैग था सारे मेंबर्स को ट्रीट देने के लिए, क्योंकि एस मोस्ट ऑफ यू ऑल नो कि के-पॉप आइडल्स को अलाउड नहीं होता बाहर का फुल ऑफ कैलोरी वाला फूड खाना। उन्हें 24/7 डाइट पर रहना होता है और रेयरली ऐसे ट्रीट्स खाने को मिलती हैं। बट फॉन रोग का ये ट्रीट्स लाना बिल्कुल फॉन रोग की पर्सनालिटी से मैच ही नहीं हो रहा था, जो खुद एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है और सारे मेंबर्स को भी कराता है। फॉन रोग खुद को बहुत हैप्पी शो करने के लिए बेफालतू के जोक्स मार रहा था और उन पर खुद ही हंसता जा रहा था और ये बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहा था। बट इवन ये होल ट्रीट्स ड्रामा सारे मेंबर के लिए एकदम वियर्ड था, बट ये सब कुछ वो साइड में रख के स्ट्रीट को साथ में एंजॉय करते हैं। इधर महा का भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही था, जो आलतू फालतू टॉपिक्स को छेड़कर उन पे बातें करने लग रही थी। वंशी ने अभी भी महा को माफ नहीं किया था पिछले मैटर को लेके, और जब महा उनसे ये शेयर करती है कि वॉन रुक और उनका ब्रेकअप हो चुका है, उसके गुस्से का लेवल और बढ़ जाता है कि महा कभी एक चीज पर टिक ही नहीं सकती। कभी वो वॉन रुक को लेके इतना बेचैन रहती थी और कुछ ही दिन में रिलेशन में आने के बाद एवी ब्रेकअप कर लिया। माँ का ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर वंशी को पसंद नहीं आया था, पर ये तीनों अपने इन पर्सनल ग्रजेस को अपने प्रोफेशनल काम के बीच नहीं लाती हैं। तीनों को एक साथ एक फोटोशूट को ऑफर मिला था और ये एक कोलैब फोटोशूट था स्पार्कलिंग ग्रुप के साथ, मतलब युनजी की टीम के साथ। और हाँ, अब इस टी पार्टी ग्रुप को एक नया मैनेजर असाइन कर दिया गया है, जो और कोई नहीं उनके ओमेगा ग्रुप वाला मैनेजर गो बावी था। और बावी एकदम पैशन से भर चुका था इस काम के लिए, वैसे भी उसकी प्रीवियस फूड डिलीवरी जॉब से तो कहीं बेटर जॉब है ये। वैसे दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर रिया अभी तक भूली नहीं थी वो इंसिडेंट जब ये मैनेजर महा को सेट पर अकेला छोड़ के भाग गया था। सो उसकी नजर तो अब ऑल टाइम इस मैनेजर पर ही रहेगी। चलो आप सब फोटोशूट को ब्यूटीफुली और क्यूट वे में शॉट करवाते हैं, और जब कपल फोटोशूट होता है तो वंजी और यू जिनको पेयर अप किया जाता है। जब बात आती है एक दूसरे का हाथ होल्ड करने की, तब वंशी के टच से एक इलेक्ट्रिक करंट सा दौड़ जाता है यूजिन की बॉडी में। मीनवाइल बॉन्डो खुद को एक सेकंड भी फ्री नहीं दे रहा था, लगातार ऑन एंड ऑन प्रैक्टिस करता जा रहा था और ग्रुप से भी करवा रहा था, क्योंकि इसी तरह वो महा के थॉट से खुद को दूर रख सकता है। बॉन्डो एक के बाद एक प्रोजेक्ट को साइन कर रहा था और शूट पे शूट करता जा रहा था विदाउट एनी रेस्ट, और मैनेजर इतना भी ज्यादा नहीं चाहते थे कि वो खुद को काम के लिए जोर दे, लेकिन सीईओ इस परिवर्तन से गुदगुदा रहे थे। वंशी का यूजिन मिलने आता है और उसने जब शूट के टाइम वंशी का हाथ होल्ड किया था तो वो बहुत ठंडे थे, साफ मतलब था कि वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। सो यूजिन उसके लिए हॉट पैड लाया था उसके ठंडे पड़ गए हाथ को गर्म रखने के लिए, जो कि एक स्वीट सजेस्टर था। यूजिन वंशी से महा की वजह से उसे नाराज करने के लिए माफी मांगता है, और सिर्फ यही नहीं, ऑल ऑफ द सडन वो उसे प्राइवेट डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। एकदम से यूजिन का ये हृदय परिवर्तन वंशी का तो छोड़ो, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। वंशी जब रूम पर वापस आती है तो महा उसे रोक के माफी मांगती है उसे डिसअपॉइंट करने के लिए, और वो यूजिन के साथ उसकी पिछली रात की कॉन्वर्सेशन भी शेयर करती है, जिसमें यूजिन ने फाइनली महा से अपने प्यार को कन्फेस कर दिया था, जो वो ट्रेनिंग के टाइम से उससे करता आ रहा था। बट यहाँ अजीब चीज ये होती है कि वो प्यार तो कन्फेस करता है महा से, बट साथ ही साथ वो उसे काइंड ऑफ रिजेक्ट भी कर देता है। वो कहता है कि मैंने हमेशा से तुम्हें प्यार किया, इसलिए कभी कोशिश भी नहीं की किसी और को वो स्पेशल जगह देने की, पर अब ये प्यार कन्फेस करने के बाद मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, और अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि एक्चुअली मैं तुम शायद मेरे लिए बनी ही नहीं थी, मेरे लिए जो बनी है वो तो मेरे सामने ही थी,
पर मैं क्लियरली देख ही नहीं पा रहा था। बट अब मैं क्लियर हूँ। महा ये सारी बातें हुआन जी को बताते हुए उसे यू जिन की उस स्पेशल लड़की का नाम रिवील करती है जो हुआन जी ही है। हुआन जी ये सुन के बहुत खुश होती है और अब उसके और महा के बीच बनी वो दीवार भी टूट चुकी थी और तीनों की दोस्ती और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। महा अपने सेट कॉम के आगे के पार्ट को शूट करने आई थी और उसी बिल्डिंग में वॉन रूप भी किसी प्रोजेक्ट के लिए आया था और टकराव तो उनका होना था पर दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। लालिमा जो दूर से ये देख रही थी वो दोनों की खटपट को ऑब्जर्व कर पा रही थी। अनजान मैनेजर यहाँ पे एकदम उछल रहे थे और वॉन रूप के इस बिहेवियर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही बिहेव करना जब भी पब्लिक में तुम दोनों मिलना, बिल्कुल ऐसे ही एक सेकंड से ज्यादा नजरों को मत मिलाना, ठीक है। वन नौकर दो जिन भी सस्पिशियस हो गए थे कि ए और बी के बीच कुछ तो मैटर है। लालिमा फोन रोकर महा को आमने सामने करके बात को सुलझाने की कोशिश करती है और रीजन जानने का भी ट्राई करती है पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसे। दोनों ही अपनी जुबान पर लॉक लगाए हुए थे। अदर साइड यूजिन और वन जी अपनी फर्स्ट डेट पर आए थे और यूजिन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी वन जी को इम्प्रेस करने में। वैसे यूजिन का अचानक से वन जी पर दिल आ जाना थोड़ा कम कन्विंसिंग था बट आई एम हैप्पी कि यूजिन ने महा से मूव करके वन जी को अपना पार्टनर चुना। यूजिन जहाँ भी जा रहा था एनी के थॉट्स उसका साथ ही नहीं छोड़ रहे थे और अब तो उन थॉट्स और मूवमेंट्स को ही उसने अपनी जिंदगी बना ली थी। वो याद कर रहा था वो ट्रेजिक मोमेंट जब वो अपनी कमबैक परफॉर्मेंस के लिए ऑलमोस्ट रेडी था और उसके पास एनी का कॉल आता है जो रोते हुए यूजिन से माफी मांग रही थी और उसी मोमेंट यूजिन जो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चला जाता है एनी को ढूंढने और तब से वो एस्केप ऑफ की दुनिया से भाग ही रहा है। रिपोर्टर नाम के न्यूज आर्टिकल से टी पार्टी ग्रुप के उस लीगल चार्ज को कोर्ट ने हटा लिया था पर रिपोर्टर नाम इस काम के बदले जिहाक से एनी और यूजिन की सच्चाई जानना चाहती थी, स्पेशली एनी की, क्योंकि रिसेंटली उसे एक पिक मिली है जिसमें एनी के साथ एनओजी एजेंसी के सीईओ भी कैप्चर्ड है। जिहाक रिपोर्टर नाम को बताता है कि ये पिक्चर उसके हाथ भी लगी थी और साथ ही यूजिन और एनी के साथ की पिक्चर भी उन्हें मिली थी जिसको डिस्कस करने वो एनी से लास्ट बार मिलने गए थे और बाद में इसी मैटर को लेके वो यूजिन को भी वार्न करते हैं कि उसका शार्क्स ग्रुप अभी इस्टेब्लिश हुआ है, अभी वो कोई ऐसा स्कैंडल ना क्रिएट करे जो पूरे ग्रुप को बर्बाद कर दे। वो यूजिन को सिर्फ एनी और उसकी पिक शो करते हैं, वो एनी और सीईओ वाली पिक को नहीं दिखाते हैं उसे और ना ही उसकी चर्चा करते हैं। यूजिन अपने इस ग्रुप के लिए उसके रिलेशनशिप को हिडन ही रखता है बट उस परफॉर्मेंस वाले दिन वो एनी के कॉल के बाद गायब ही हो जाता है। जिहाक को जितना पता था वो रिपोर्टर नाम को बता देता है। जिहाक आज तक कहीं ना कहीं खुद को ही एनी की मौत और यूजिन के केपॉपर से गायब होने का रीजन मानता है कि काश उसने ये मैटर डिफरेंट तरीके से हैंडल किया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। टी पार्टी ग्रुप को उनके रीसेंट काम के लिए जिहाक से सैलरी के अलावा एक सेपरेट पेमेंट मिली थी जो उनकी मेहनत की कमाई थी। इस फर्स्ट पेमेंट की खुशी को वो रात भर सेलिब्रेट करते हैं और इसी रात भर में वो म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं कि अपने ये फर्स्ट पेमेंट किस मीनिंगफुल जगह स्पेंड करेंगे और ये डिसीजन था कि वो पैसे अपने जेएच एंटरटेनमेंट एजेंसी में ही इन्वेस्ट करेंगे। यही तो उनकी फाउंडेशन है और इसको भी वो अपनी ग्रोथ के साथ ग्रो करते रहेंगे और जियाक से मिलके वो सब एक अपने स्टाइल के प्रमोशन स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं। सो अब उन्हें जरूरत ही नहीं है कि कोई प्रोडक्शन हाउस कॉन्टेक्ट करे, वो अपने दम पर खुद को आगे पहुँचाना जानते हैं। सो वो अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं जहाँ वो अपने बिना किसी एडिट और इफेक्ट के ओरिजिनल कंटेंट शेयर करते हैं, लाइक अपनी डांस प्रैक्टिस वीडियो, रिकॉर्डिंग सेशन, फोटो शूट बिहाइंड द सीन और अपने स्टूडियो का टूर, लाइव सेशन एंड सो ऑन। इनका मैनेजर भी इनकी ओमेगा के टाइम की डांस रूटीन वीडियो की फाइल को निकाल के उसे भी इस चैनल पर अपलोड कर देता है एस टी पार्टी ग्रुप फर्स्ट ट्रेनिंग वीडियो। इनके इस ओरिजिनल और रॉ कॉन्टेंट की वजह से यूट्यूब और इवन अदर सोशल चैनल पर इनकी वीडियो ट्रेंड करने लगी थी। जिहाक उनकी वीडियो कैसेट और टी पार्टी ग्रुप के स्पेशल गुडीज भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। अदर साइड लालिमा के एजेंसी के सीईओ बड़े परेशान थे उसे क्योंकि लालिमा हर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ही कर देती थी जब तक वो प्रोजेक्ट उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना हो और उसके स्टैंडर्ड को मैच करने वाले प्रोजेक्ट बहुत कम थे। प्रिया इधर एज यूजुअल स्टूडियो में अपनी खुद की म्यूजिक क्रिएट कर रही थी। आई वन उसके इसमें हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, आई मीन रोमांटिक वे में नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे काम से है। पुरिया की म्यूजिक के कुछ एरर पार्ट को सही करके उसकी हेल्प करता है कि अब ये म्यूजिक एकदम परफेक्ट है। प्रिया हेजिटेट करते हुए से पहली बात थैंक यू करती है। लालिमा यहाँ भी आ चुकी थी और उसे लग रहा था कि वॉन रुक और महा के बाद इनका चक्कर तो नहीं शुरू हो गया।
लारिमा एमोनाइट से मिलने आई थी अपने न्यू सॉन्ग के लिए म्यूजिक क्रिएट करवाने, पर उसकी नजर रिया की क्रिएट की गई म्यूजिक पर टिक जाती है। फॉन लोग को पता भी नहीं चला था कि कब उसने अपने फोन में माहा की डांस वीडियो देखना शुरू कर दिया और उसके बारे में सोचते सोचते वो उसी वेयर हाउस में आ गया था। इसी वेयर हाउस में योनो किसी लड़की से जबरदस्ती ब्रेकअप करके अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उस लड़की से बोर हो चुका था। एक लड़की ज्यादा टाइम तक अपने साथ रखना उसके रूल में नहीं है। वो लड़की बैक कर रही थी कि वो उसे लेके बहुत सीरियस है, उसके बिना वो मर जाएगी, बट योनो एकदम पत्थर दिल था। फॉन्डो की बातें छुप के सुन रहा था और इस मोमेंट को देखे उसे अपनी और माहा के ब्रेकअप वाले मोमेंट की याद आ रही थी और वो फील कर सकता था कि उसके ऐसे अचानक से ब्रेकअप के डिसीजन ने माहा पर क्या असर किया होगा। जो गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था वो उसे वन ओपन निकालता है उसे पीट के, और बस ये इंसिडेंट पूरे लोकेशन में फैल गया था कि किसी लड़की को लेके वन हो और वॉन्डो के बीच में लड़ाई हुई है। मैनेजर जिन्हें कुछ दिनों की शांति मिली नहीं थी कि एक और बवाल मचा दिया वॉन्डो ने। वो जानता था कि अफवाहों की कोई हद नहीं होती, कोई अगर गिर जाए तो उसे मरा हुआ लोग मानने लगते हैं और कोई किसी पर हाथ उठा दे तो उसे गोली मार दिया गया, ऐसी अफवाहें फैलने लगती है। CEO भी बम की तरह फट रहे थे और आग बरसा रहे थे मैनेजर पर कि ये उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। माह तक भी ये अफवाह फैल जाती है जहाँ कुछ लड़कियाँ कह रही होती है कि किसी लड़की के लिए वॉन्डो ने झगड़ा किया। ये सच है कि वॉन्डो जैसे आइडल्स नई नई ट्रेनीज और जूनियर्स को प्यार में फंसा के उनसे बोर होने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। माहा इन बातों को सुन के फॉन्डो से एक बार बात करना चाहती थी, पर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती उसका नंबर डायल करने की। लारिमा तक कुछ अलग अफवाह फैली थी कि फॉन्डो ने लड़के के लिए लड़ाई की और अब वो जेल में है। सो वो फॉन्डो को सही सलामत फ्री पाके रिलैक्स थी, लेकिन लारिमा फॉन्डो से नाराज थी कि उसने माहा को एक टाइम पास इजी टारगेट समझ के यूज किया और कुछ टाइम बाद ब्रेकअप कर लिया। वो वॉन्डो पर ब्लेम लगा दिया कि तुम भी औरों की तरह पैथेटिक और कायर निकले, और मुझे लगता था कि तुम अलग हो जो अपने हिसाब से चलता है, ना कि K-pop इंडस्ट्री के रूल के हिसाब से, पर मैं गलत थी। लारिमा इनडायरेक्टली वॉन्डो को अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने के लिए प्रेशराइज करती है, जिसका वॉन्डो पर असर हुआ भी था या नहीं डोंट नो। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा आइडल बेस्ड वैरायटी शो कॉल्ड 5MS यू मी सिंगिंग अगेन स्टार्ट होने वाला था, जिसके लिए एक बहुत बड़े K-pop स्टार के तौर पर वॉन्डो, वॉन्वॉक, तूचिन एंड लारिमा को सेलेक्ट किया जाता है और एक न्यू प्रॉमिसिंग आइडल्स के लिए स्पार्कलिंग ग्रुप के यूजिन और मिन्सू को चूज करते हैं। और लिस्ट यही खत्म नहीं हुई थी, अब टी पार्टी नहीं होगा तो ड्रामा कैसे होगा। सो इस ग्रोइंग ऑन ट्रेंड टी पार्टी ग्रुप से माहा और रिया को इन्वाइट किया जाता है, बट वांजी को भी एक अदर फेमस एड शूट ऑफर हुआ था